सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दरवाजा खुला है, ये वाले बयान पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहले ही आप वीडियो सुनिए कि लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा। फिर मौका देंगे आएंगे तो आएंगे तो देखेंगे मौका दे सकते। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा, ना क्या कर। चलो तो देखा आपने, उन्होंने कहा कि राजनीति का दरवाजा तो खुला ही रहता है, किसी का दरवाजा बंद नहीं रहता। अब इस पर गोपाल मंडल ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आपको बता दें, गोपाल मंडल ने कहा कि जब जरूरत पड़ेगा, जिसमें घुसना है घुस जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने बयान दिया कि वो जिसके साथ चल रहे हैं चलने दीजिए, अभी पार्टी नहीं मारेंगे। अभी तो जेडीयू और एनडीए का गठबंधन 2024 तक चलेगा। बता दें, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला हुआ है और वह आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि हमने पहले भी कहा था कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। वहीं लालू प्रसाद यादव का यह बयान इसलिए चर्चा में आ गया क्योंकि हाल में ही नीतीश कुमार ने आरजेडी से पाला बदलकर एनडीए का दामन थाम लिया। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने यह कहकर राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया कि ऐसा जैसे लगता है कि वास्तव में अभी भी खेला होना बाकी है। गौरतलब है कि बीते दिनों में विधानसभा में राज्यसभा सांसद के लिए हो रहे नामांकन के दौरान लालू और नीतीश का आमना सामना हुआ था और इस दौरान भी दोनों नेता एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ मिले थे, इसलिए लालू प्रसाद यादव का यह बयान राजनीति में बहुत ही मायने रखता है। ऐसे में नीतीश कुमार ने ये बात साफ तो कर दी है कि वो आरजेडी में नहीं जा रहे, लेकिन उनके वो मिलने के तरीके से लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि नीतीश कुमार का जब यहाँ से मन भर जाए तो वहाँ पर वो फिर से चले जाए। और वैसे भी गोपाल मंडल ने भी कह दिया कि ये केवल 2024 तक चलने वाला है इनका गठबंधन, तो ऐसे में और भी सारी चीजें निकल कर सामने आती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी में जा सकते हैं? फिलहाल आपकी जो इस पे प्रतिक्रिया होगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।